देखो मार्केट में ना दो टाइप के होल्डिंग स्प्रे मिलते हैं, एक है टाफ का 5 नंबर का होल्डिंग स्प्रे एंड सेकंड वन है स्वस्कोप का पी प्रोफेशनल स्प्रे। दोनों होल्डिंग स्प्रे है मगर दोनों की प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये जो स्प्रे है मार्केट में अराउंड 200-250 के आसपास मिलता है और ये वाला जो स्प्रे है वो अराउंड 2000 रुपए के आसपास मिलता है। सो एवरीवन आप सब सोच रहे होंगे कि दोनों होल्डिंग स्प्रे है सो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एवरीवन आज मैं आपको ना इसका जो दोनों का डिफरेंस है उसका यूज क्या है, कौन से स्प्रे का यूज ना कहाँ पे करना है वो ना डिटेल्स में सिखाने वाली हूँ। मगर उसके लिए ना ये रील्स को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। सो एवरीवन ये वाला जो स्प्रे है ना, जब भी आप ना कोई भी बेसिक हेयर रूल्स बनाते हो या फिर आप ना ओपन हेयर के वेरिएशन बनाते हो, सिंपल बेसिक हेयर रूल्स किया है या फिर आप ना कुछ भी बैककॉम वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे आपको ना ये वाले स्प्रे का यूज करना है। ये होल्डिंग स्प्रे है मगर उसका होल्डिंग ना बहुत ही मिनिमम है, राइट। एंड सेकेंड वाला जो ये स्प्रे है ना, ये पी प्रोफेशनल स्प्रे है, स्वस्कोप का स्प्रे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इसका जो होल्डिंग है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप कोई भी ना इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स बना रहे हो, लाइनिंग बना रहे हो, लाइंस को आपको ना बहुत ज्यादा टाइम स्टे करना है, वेव्स बना रहे हो, तो वहां पे जब भी आप कोई भी ना इंटरनेशनल एडवांस हेयर स्टाइल बना रहे हो तो वहां पे ऑलवेज आपको ये पी प्रोफेशनल स्प्रे का यूज करना है। एंड जब भी आप ना कोई भी बेसिक सिंपल हेयर रूल्स बनाना है, 2-3 घंटे के लिए स्टे करना है, तो वहां पे आपको ना ये टाफ के स्प्रे का यूज करना है। अगर आपको हमारी ये टिप्स ना पसंद आई हो तो आपको ना कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।